नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्राइम एपिसोड के एपिसोड नंबर 10 में। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जो पिछले साल अगस्त में ड्यूरिंग आईपीएल जो घटनाएं हुई, जिसमें सुरेश रैना को आईपीएल छोड़ करके आना पड़ा था, उनका जो फूफा अशोक कुमार, उनकी हत्या कर दी गई थी। और ये हत्या जो थी वो डकैती के मकसद से की गई थी। डकैती का मतलब होता है कि घर में जाकर घुस करके जो वहाँ के आदमी है उसको मारना, और उसके बाद से जो कह सकते हैं जितने सारे पैसे जवाहरात सब कुछ है वो चोरी करके भाग जाना। तो इस घटना को अंजाम दिए हुए कई महीने हो गए, पिछले साल अगस्त में हुआ था, लेकिन कल यूपी के एसटीएफ टीम ने अरेस्ट कर लिया गया है। मुख्य आरोपी जो छज्जू चमार था वो फरार था काफ़ी दिनों से, और ये भी पता लगा जा रहा था कि वो हैदराबाद में छिपा हुआ था, लेकिन जब वो अपने गांव आया तब उसे यूपी के एसटीएफ टीम ने अरेस्ट कर लिया। अब जानते हैं, ये थोड़ी सी पीछे जाते हैं और बताते हैं आपको कि ये जो घटनाएं हुई थी वो किस तरह की घटना हुई थी और कैसे छज्जू चमार ने इस घटना को अंजाम दिया था। दोस्तों मैं बता दूं आपको कि छज्जू चमार के जो 5 से 6 लड़के को इकट्ठा करके उसने एक टीम बनाई थी, जहां पे एक महिला भी थी, और उन लोगों का काम था कि वो महिला हर एक घर में जा करके फूल दिया करती थी। फूल के बहाने उस घर का माहौल देखती कि वहां पे कौन रहता है, कितने लोग रहते हैं, आसपास के लोग कैसे हैं, या वो घर जो है वो दूर में है या नहीं है। तो मैं बता दूं आपको, अशोक कुमार जो कि फूफा है सुरेश रैना के, वो पेशे से ठेकेदार थे, और उनका जो घर था वो पंजाब के पठानकोट से कुछ दूर, मतलब गांव से थोड़ी सी हट के था, जो कि पूरी उनका घर एक था और उस बगल में आसपास कोई घर नहीं था, जिस वजह से उन लोगों ने इस घर को टारगेट बनाया। और उस महिला ने फूल देने के बहाने से पूरी तरह से देख लिया कि कहां पे कौन कैसे रह रहा है, और ये बस एक दिन का काम नहीं, कई महीनों तक ये काम चलता रहा। उसके बाद से इस घटना को छज्जू चमार ने अंजाम दिया। सबसे पहले सुबह में छत पे जाकर के कई लोगों को मार दिया, जिसमें उसके फूफा अशोक कुमार भी छत पे सो रहे थे और वो उसमें मौजूद थे इस घटना में। तो दोस्तों इसी तरह से ये जो घटना हुई थी, जिसके बाद से सुरेश रैना को आईपीएल छोड़ करके आना पड़ा था, ये बहुत बड़ी घटना थी और कह सकते हैं यूपी पुलिस के लिए एक चैलेंज भरा केस था, जहां पे कई सारे आरोपी को अरेस्ट भी किया गया था, लेकिन मेन मुख्य आरोपी जो छज्जू चमार था वो फरार था, हैदराबाद में था। उसके बाद से कल ही उसको यूपी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। तो ये एक बड़ी घटना को अंजाम जिस तरह से दिया गया, उसके बाद से एसटीएफ टीम ने इस पूरी घटना को देख करके काफ़ी ज़्यादा, मतलब कह सकते हैं इस घटना पे निगरानी रखी हुई थी। छज्जू चमार की जो कह सकते हैं लोकेशन था उस पर भी ट्रैकिंग था कि कब आएगा, कब बाहर निकलेगा, तो फाइनली उसे कल अरेस्ट कर लिया गया। तो अब जो है, अब केस चलेगी, अदालत में फैसला होगा, जो भी होगा आपको पूरी जानकारी आपको हमारे वीडियो के माध्यम से मिलते रहेगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते एक नई वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।